नीता अंबानी ने इस शर्त पर मुकेश अंबानी से की थी शादी। देखें बचपन की फोटो। नीता के इस अजीब सी शर्त पर भी मुकेश राजी हो गए और उन्हें पढ़ाने की परमिशन दे दी थी और इस शर्त के साथ नीता और मुकेश अंबानी का रिश्ता मुकम्मल हुआ, जो कि आज की एक पावर कपल के रूप में जाने जाते हैं। भारत के सबसे अमीर घराने की बहू नीता अंबानी अपनी लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी महंगी साड़ी से लेकर चाय तक के खूब चर्चे हुए, लेकिन क्या आपको पता है कि आज के समय में भारत की सबसे अमीर और शक्तिशाली महिला के रूप में जाने जाने वाली नीता अंबानी शादी से पहले मात्र 800 रुपए की नौकरी करती थी। इससे भी अधिक दिलचस्प है मुकेश अंबानी और नीता के रिश्ते की कहानी। दरअसल जब धीरू भाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी का रिश्ता नीता के लिए पहुंचा, तो सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद नीता ने इसके लिए एक बड़ी शर्त रख दी थी। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी ने खुद ही नीता को एक समारोह में देखकर अपने बहू बनाने की सोची थी। असल में हुआ ये था कि उस समय नीता के पिता बिरला ग्रुप में काम करते थे। इसी दौरान बिरला परिवार में एक आयोजन हुआ था जिसमें नीता ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी थी। नीता के प्रस्तुति को देख धीरू भाई अंबानी ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने नीता को अपनी बहू बनाने का मन बना लिया और कार्यक्रम के आयोजकों से नीता का पता और फोन नंबर मालूम कर खुद ही संपर्क भी किया। धीरू भाई अंबानी का नीता को संपर्क करने का वाक्या भी बेहद दिलचस्प है, जिसके बारे में नीता ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था। दरअसल जब धीरू भाई ने नीता के घर बात करने के लिए फोन किया था, तो वो कॉल खुद नीता ने उठाया था और जब सामने से ये कहा गया कि धीरू भाई अंबानी बोल रहे हैं, तो नीता को यकीन ही नहीं हुआ। नीता को लगा कि कोई मजाक कर रहे हैं। इस सोच से नीता ने भी कह दिया कि मैं भी एलिजाबेथ टेलर बोल रही हूँ और फोन काट दिया। लेकिन इसके बाद जब फिर से धीरू भाई ने फिर फोन किया, तो इस बार नीता के पिता ने फोन उठाया और वे धीरू भाई की आवाज पहचान गए। पूरी बात जानने के बाद नीता के पिता ने उनसे कहा कि वे धीरू भाई से जाकर मिलें, और फिर पिता के थोड़ा मनाए जाने के बाद नीता धीरू भाई से मिलने के लिए तैयार होगी। नीता धीरू भाई से मिलने उनके कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने नीता से खाना बनाने, उनकी आदतों, शिक्षा सहित कई चीजों के बारे में पूछा। इसके बाद धीरू भाई ने उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया और साथ ही धीरू भाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे उन्हें मुकेश की पत्नी के रूप में देख रहे हैं। धीरू भाई के प्रस्ताव के बारे में अपने परिवार के साथ चर्चा करने के बाद नीता धीरू भाई के घर गई और नीता जब वहां पहुंची, तो मुकेश ने घर का दरवाजा खोला। मुकेश नीता को देखते ही पहचान गए, क्योंकि धीरू भाई लगातार उनसे नीता के बारे कर रहे थे। फिर वहां मुकेश और नीता की एक दूसरे से बातचीत हुई और आगे भी मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। कुछ ही दिनों में मुकेश और नीता एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन जब मुकेश अंबानी ने नीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो नीता ने भी एक शर्त रख दी और वो ये थी कि वो शादी कर देश के सबसे अमीर घराने की बहू बनने के बाद भी एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी और वर्तमान नौकरी करना चाहती थी। दरअसल उस समय नीता स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी, जहां उनको 800 रुपए मिलते थे, और नीता ये नौकरी किसी भी शर्त पर छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था, जिसके कारण उन्होंने मुकेश अंबानी से शादी करने के बाद भी स्कूल में जॉब करने की शर्त रखी थी। हालांकि नीता के इस अजीब सी शर्त पर भी मुकेश राजी हो गए और उन्हें पढ़ाने की परमिशन दे दी थी और इस शर्त के साथ नीता और मुकेश अंबानी का रिश्ता मुकम्मल हुआ, जो कि आज की एक पावर कपल के रूप में जाने जाते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।